नमस्कार, मैं हूं मनीष। सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम रेलवे स्टेशन में खड़ा हूं और यहां पे हम चुनावी मिजाज 17वीं लोकसभा चुनाव का जानने आए हैं। यहां पे रेल यात्रियों से भी 17वीं लोकसभा चुनाव की जानेंगे क्या है मिजाज, और इसी के में हम बात करेंगे यहां पे रेल यात्रियों से भी, उनसे पूछेंगे देश में बनेगी किस किस सरकार। बस मोदी सरकार। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या रहेगा? अभी जो भी है सब सही है। अच्छी सरकार हो, हर जगह काम हो, जैसे मेडिकल का काम हो, आप आईटी सेक्टर का काम हो। और लोग से हम बात करते हैं, चुनाव में किसकी सरकार? देखिए, जैसे सरकार चला रहा है मोदी जी, तो मोदी जी आएगा तो बढ़िया होगा सबसे। मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, मुद्दा अपना मुद्दा को जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा रहता नहीं है। इलेक्शन जब भी आता तो वह मुद्दा रहता नहीं है, मुद्दा रह जाता है। कोई मंदिर की बात उठाता है तो कोई इसकी जातिवाद के उठाता है तो कोई क्या उठाता है, कोई क्या। जो मेन मुद्दा देश का होना चाहिए, नेशनैलिटी का होना चाहिए, राष्ट्रीयता का होना चाहिए, वो मुद्दा होना चाहिए। गरीबी की होना चाहिए, ये जो है कम्युनिकेशन का होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, बिजली का होना चाहिए। मैनिफेस्टो में हर पार्टी का मैनिफेस्टो ठीक रहता, किसी का खराब नहीं रहता अगर सही में सोचिए तो। लेकिन वो मैनिफेस्टो को आप लागू कीजिए तब ना। विकास क्या हुआ वो बात, लेकिन नेशनलिटी सबसे मेन मुद्दा है। भारत है तो सब है। मैनिफेस्टो जारी किए हर गरीबों को बात कर, वो ढकोसला है, एक पैसा नहीं किसी को मिलेगा। मोदी से बढ़ के प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता, नहीं हुआ था नहीं होगा। अब कुछ अंदर बात करेंगे हम, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं यात्री उनसे भी हम बात करेंगे, किसकी सरकार, क्या समस्या है। मुद्दा ऐसे कि रोजगार चाहिए आदमी, नौकरी को चाहिए, और सारा सुविधा आदमी को, बिजली पानी सब को सुविधा चाहिए। और नेता लोग ये सब में ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग तो अपना झोली भरने में रखते हैं। किसकी सरकार चाहिए? क्या सरकार एनडीए महागठबंधन को मौका मिलना चाहिए एक बार। वो तो एक जुमला है, उसमें कोई जरूरी नहीं कि मिलेगा। जैसे मोदी जी ने कहा था पिछली बार सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख, उस तरह की एक जुमला है, उसमें उन्हें सही नहीं बोला जा सकता है, उसको गलत उस सब कमेंट करते हैं लोग। जो आदमी हम लोग पब्लिक सब चाहते हैं वही सब होगा, जो मोदी है रहे हैं। मोदी जी जो वादा किए थे 2014 में, वो क्या लगता है आपको कितनी वो पूरा करेगा? हम इनसे बात करते हैं, ऑटो चालक भी है, क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी का होगा, बहुत कुछ किया, कहा नहीं किया, खाते में 15 लाख जो वादा किया था सर, वो छोड़िए ना, वो आवे चाहे नहीं आवे, 15 लाख के हम लोग के का जरूरी, हम लोग के पेट चलना चाहिए और कोई। क्या लगता है किसकी सरकार इस पर? देखिए, सरकार तो किसी की भी आ सकती है, ये नहीं कन्फर्म है कि मोदी जी क्या ही आएंगे। मोदी जी बोले 15 लाख रुपया देंगे, दिए नहीं दिए, क्या किए, कुछ नहीं किए। सरकार तो पब्लिक के वजह से बनती है, पब्लिक अगर वोट नहीं डालेगी तो सरकार खुद ब खुद नहीं बन जाएगी। आज हमने जाना रांची रेलवे स्टेशन और ट्रेन पे भी यात्रियों से जानना चाहा कि 17वीं लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही थी, और उसमें जाना कि यात्रियों का मिजाज, आखिर सरकार किसका, मिला जुला असर रहा महागठबंधन, तीसरा मोर्चा या मोदी सरकार। आखिरकार सबों को अभी भी विश्वास है पुनः एक बार मोदी सरकार पे। अब देखना होगा कि 23 मई को ही पता चलेगा कि केंद्र में किसकी सरकार। दीपक के साथ मनीष झा, रांची से।